आपको क्या टॉपिक नजर आ रहा है? बताए क्या जवेरी है, क्या कैसे रहे दिन आपके, क्या क्या किया आप लोगों ने? घर में ही गुजर रहा है अभी तो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। क्लासेस नहीं हो रही क्या? क्लासेस हो रही हैं लेकिन वो इतनी देर के लिए नहीं हो रही, 1 आवर 2 आवर। ओके। और अभी असाइनमेंट भी असाइन नहीं है। असाइनमेंट असाइन नहीं हो अभी तक? अभी नहीं हुआ है, काफी क्लासेस के अभी नहीं हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं आपको असाइनमेंट देना शुरू कर देता हूँ। नहीं सर, प्लीज सर, कोरोना वायरस बहुत है, थोड़ा सा भी मत दे। पढ़ने से कोरोना वायरस हो जाएगा सर? पढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाए ना, इलाज है ये पढ़ाई, कोरोना वायरस का घर बैठ के पढ़े। सर इलाज नहीं है तभी तो बंद किया है सब। ऑनलाइन बोला है ना, घर बैठ के ऐसे आने जाने में आप लोगों का टाइम जाए। सर ऑनलाइन से भी वायरस हो रहा है, ऑनलाइन खत्म हो रहा है। हाँ ऑनलाइन खत्म हो रहा है क्यों? क्योंकि सर उससे भी वायरस के सिम्टम्स फैल रहे हैं। ओ, ये नई थ्योरी आई है मेरे ख्याल में। तो ये मैं वीडियो देखता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसको चाहेंगे तो कर लेंगे। देखिए आप लोगों को मेरी शक्ल नजर आ रही है? नहीं सर। मुझे तो आ रही है, ये क्या, कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही है? आप सही से देखे ना आप लोग। चले अभी जो है वो, मैं तो इस वक्त बैठा हुआ हूँ एक गाँव देहात में। नजर आएगी, मैं सुक रहीम यार खान में बैठा हुआ हूँ और एक उसके एक गांव के अंदर। सर वहाँ सेफ होने के लिए चले गया? मैं वहाँ सेफ होने के लिए चले गया, बिल्कुल सही आपकी थ्योरी है। मैं जो है असल में 2-3 दिन पहले निकल आया था वहाँ से। सर आपका गांव कहाँ है? ये सर आप हमें ऑनलाइन गांव घुमा दें। रहीम यार खान में, रहीम यार खान में है। सर क्लास तो हो नहीं सकती, आप बाकी गाँव ही घुमा दें। क्यों नहीं हो सकती? सर सर आइडिया बहुत मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा दिखा दें गाँव। हाँ हमने आज तक गाँव नहीं निकाला है। हाँ चले एक टूर रखिएगा ना, फिर आपको गाँव दिखाएंगे। अभी पहले जरा कोरोना से रिवर्स दिखा दें, जो कनक लगी हुई है इस वक्त वो दिखा दें इन्हें। सर थोड़ा सा गाय भैंस दिखा दें। हाँ गंदम लगी हुई है बिल्कुल कनक, जो तुम बोल रहे हो लड़के। हाँ जी सर, चीमा सर थोड़ा सा गाय भैंस भी दिखाए। चीमा को चना की तरफ जो है वो ले जाता हूँ लड़के, भूल जाता हूँ माहौल में। कहूँ तो मैं अभी ऑनलाइन दिखा दूँ सबको। हाँ आप भी वही बैठे हुए क्या? जी सर मैं भी यही बैठा हुआ हूँ गाँव में। कहाँ पर सर? मीरपुर खास? नहीं सर खैरपुर में। अच्छा खैरपुर में बैठे हुए? हाँ वहाँ पर भी है, सही बात है। चले जी तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले जरा जवेरिया अटेंडेंस जरा ले ले। मुझे जरा उसके एक्सेल भेजिए क्योंकि मुझे भेजना है उनको मुजम्मिल साहब को। श्योर सर मैं भेज दूंगा। हाँ जरा ये आपको नाम सारे नजर आ रहे? जी जी ठीक है। तो ये मुझे इस वक्त 37-38 लोग नजर आ रहे हैं मुझे पार्टिसिपेंट्स, अब 39 हो गए। तो क्या इतने हमारी क्लास में है बच्चे? यस सर इससे ज्यादा ही है। इससे ज्यादा है, 46 है शायद मेरा ख्याल है। तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ आप लोग भी। सर पढ़ेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें लेक्चर भी उनको, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके सर समझ गए। ठीक है ना, तो क्योंकि ये अब भी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उनके साथ शेयर भी होगी।
काइंडली सारी क्लास जो है ना प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर लो, जिसने बोलना है सिर्फ उस वक्त अपना माइक ऑन रखो ताकि सर की आवाज भी क्लियर आएगी और जो सवाल कर रहा है उसकी भी आवाज क्लियर आएगी। ये कौन था जो बहुत ही अच्छी बात है? मैं सायरा। सायरा जी, सायरा की बात मानिए और अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जिसको कोई सवाल पूछना हो तो वो सवाल जब पूछना चाहे तो माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकता है, ठीक है? और पर जी जी बोले बोले भाई। जीवा साहब, जीवा साहब आप कुछ बोलना चाह रहे सर? बेसिकली हल्की सी भी आवाज पीछे से आती है ना तो ऐसा लगता है सामने वाला बोल रहा है, तो दैट्स आई एम सेइंग कि सब म्यूट कर लेंगे ना तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें थोड़ा सा सेटिंग में इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से नेट सही नहीं चल रहा। काइंडली आप थोड़ा सा बेयर करें आवाज को, इंशाल्लाह म्यूट कर देंगे। हाँ, वक्त के साथ साथ ये जो है ना ठीक हो जाए। ये कौन इतना गुस्से में जो है ना बातें कर रहा है? सर गुस्से में नहीं, एक्चुअली सिस्टम में कुछ इश्यू है नेट का ना, आपकी आवाज भी कट कट कर आ रही है। मैं म्यूट कर रही हूँ लेकिन म्यूट हो नहीं रहा। चले कोई बात नहीं सर, इस तरह सब डांटेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। क्यों, कोई बात नहीं, आप जो है इतना गुस्सा ना करें ना। आप म्यूट कर सकते हैं, आपके आपके पास ही राइट है, आप म्यूट कर सकते हैं। सर मेरी, मुझे नज़ला हुआ है, मेरी आवाज भारी हुई है, आई एम सॉरी। मैं आजकल जो है ना ये सब कुछ चल रहा है, ज्यादातर लोग पूरी दुनिया में चल रहा है नज़ला। सर पता नहीं कब से ये फंसा ही होगा। हाँ तो ये देखे ना, इसलिए जो है ना हम लोगों को इन्होंने दूर रखा है। जन जन को जुकाम है कि एक दूसरे से मिले नहीं, ऑनलाइन बात करें। ओके जी, तो अभी थोड़ा सा बियर करें चीजों को। अगर किसी की आवाज आ रही है तो उसको देखें। आप को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अपना माइक ऑन करें और मुझसे सवाल करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ओडी इंटरवेंशन। दिस विल बी एन ओवरव्यू ऑफ ओडी इंटरवेंशन, क्योंकि ओडी इंटरवेंशन जो है वो उनकी जो तादाद है, देयर आर अ नंबर ऑफ, मतलब थाउजेंड्स में भी इंटरवेंशन हो सकती है। तो हम कुछ इंटरवेंशन को यहाँ डिस्कस करेंगे आज, और ये स्क्रीन आपके सामने होगी जो कि आपको नजर भी आ रही है। तो एन ओवरव्यू ऑफ ओडी इंटरवेंशन ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो मैं नाम लेता जाऊंगा जिस जिस का नाम मुझे याद है, तो उससे हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले ये रुत जो है, रुत जरा बताइए व्हाट इज ओडी इंटरवेंशन। आप थोड़ी देर में बता दो। थोड़ी देर में बताएंगी आप? तो जवेरिया आप बताइए इंटरवेंशन से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवेंशन? सर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि डिजाइन की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए। यस वेरी गुड, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीज के इंटरवेंशन मींस द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करके उसके क्या करना है, उसको उसकी जो है ट्रीटमेंट करनी है। तो इंटरवेंशन जो है These are the treatments. तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन कौन सी interventions जो है वो हो सकती हैं। देखें जी, classification of OD interventions. इसमें सबसे पहले जो है अगर आप देखें तो intervention में सबसे important intervention जो है वो यहाँ पर जो बताई गई है सबसे पहले है diagnostic activities. तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय, चीमा साहब आपकी नजर में डायग्नोस्टिक एक्टिविटी क्या होती है? सर जो एक्टिविटी डायग्नोस हो जाए उसे डायग्नोस्टिक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी डायग्नोस करे प्रॉब्लम को उसको डायग्नोस्टिक एक्टिविटी कहते हैं, जो डायग्नोस हो जाए वो नहीं। लड़के ठीक है, सही सर, प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करने में जो मदद करे ऐसी एक्टिविटी बोल सकते हैं। वेरी गुड, ये तो आप जवे की बात कर रही है? यस सर। वेरी गुड, तो the activities are the intervention that diagnosed the problem. That's called diagnostic activities. अब इसकी क्या examples हो सकती है? बिस्मा मौजूद है इस वक्त? बिस्मा
बिस्मा लगता है मौजूद नहीं है या उसे आवाज नहीं जा रही। एक्सक्यूज मी सर, जी बिस्मा बात कर रही है? नहीं सर, मैं मरियम बात कर रही हूँ। सर एक बार आप रिपीट करेंगे फिर से डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज? यस बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। डायग्नोस्टिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटीज दैट आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम। ऑल द एक्टिविटीज दैट आइडेंटिफाई दैट डायग्नोस द एक्चुअल प्रॉब्लम इन द कंपनी। डायग्नोस का मतलब यह है कि देखिए सबसे पहले जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जो है, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यू फर्स्ट गो टू द डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स टेल यू सम टेस्ट। डायग्नोस्टिक एक्टिविटी मींस देयर आर अ टेस्ट टू डायग्नोस द एक्चुअल प्रॉब्लम। ओके, जिसका क्वेश्चन था उनको समझ में आया? जी आ गया। तो डायग्नोस्टिक एक्टिविटी मींस द प्रॉब्लम we are going to identify through the interventions. अब उसके लिए क्या इंटरवेंशन की प्रॉब्लम है? इसमें एक शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो डायग्नोस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है उसको हम कहते हैं जो है वो सिक्स बॉक्स मॉडल। एक ओडी के अंदर एक मॉडल होता है जिसका नाम है सिक्स बॉक्स मॉडल। दिस मॉडल कैन बी यूज टू डायग्नोस द प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिक्स बॉक्स मॉडल क्या है? सिक्स बॉक्स मॉडल ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टोटल एरियाज होते हैं जिनको हमें प्रॉब्लम के लिए देखना चाहिए या उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो सिक्स होते हैं। छह जो प्रॉब्लम है या छह एरियाज है, अगर उनको हम देख लें तो हम ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। तो सिक्स बॉक्स मॉडल जो है ये हमें बताता है, मैं उसके लिए दो तीन चीजें जो है, छह में से दो तीन चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली चीज ये कहता है कि अगर कंपनी को आपने देखना है कि व्हाई द कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, क्या ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर रही। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट आर द एरियाज जिनको हम जो है ये देखें कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक मॉडल दिया गया है जो सिक्स बॉक्स मॉडल कहलाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो लीडरशिप है, तो ये सिक्स बॉक्स मॉडल कहता है जो लीडरशिप है ये एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लीडर्स काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग जो है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप डायग्नोस्ट करें किसी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है या उसका प्रॉफिट डिक्लाइन की तरफ आ रहा है या कंपनी के कल्चर में बहुत बड़ा मसला आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो हमें किन किन एरियाज को देखना चाहिए। यानी जब आपको ये पता ही ना हो कि कंपनी जो है वो डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ओवरऑल जो कंपनी है उसे देखना होगा। अब ओवरऑल कंपनी से क्या बुरा है? ओवरऑल कंपनी तो बहुत सारे एरियाज है जो कि ओवरऑल कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं। तो सिक्स बॉक्स मॉडल जो है हमें बताता है कि कंपनी के अंदर टोटल सिक्स एरियाज होते हैं। तो और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो बताते हैं, सिक्स से ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन ये सिक्स बॉक्स मॉडल हमें ये बताता है कि सिक्स एरियाज होते हैं। वैसे कोई ये बताना चाहेगा? मैंने एक बताया है कि लीडरशिप है, उसके अलावा कोई बताना चाहेगा कि और क्या एरियाज हो सकते हैं सिक्स में? स्ट्रक्चर, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन का, वेरी गुड। द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट सर, और HR, human resources properly. Sir, relationships भी बोल सकते हैं। Relationship of what? Policies हो सकती हैं। जो relationship की बात करना है, जरा उससे भी बात करने दे। Relationship of what? किस चीज का relationship की बात हो रही है? Sir, employee और manager के दरमियान या departments के दरमियान
ओके इम्प्लाई और मैनेजर या मतलब इम्प्लायर और इम्प्लाई के दरमियान में रिलेशनशिप हो सकता है, मैनेजर्स और इम्प्लाई के दरमियान में रिलेशनशिप हो सकता है, कुलीग्स के दरमियान में रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर या सही ना हो. वेरी गुड, ये भी हो सकता है बिल्कुल. आप लोग और सर ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है कि सही पोस्ट पर मतलब पोजीशन पर सही बंदे बैठे हुए हैं या नहीं. वेरी गुड सर, सही पोजीशन पर पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस हो सकते हैं. पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस हो सकते हैं. ओके पॉलिसीज एंड प्रोसेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है सर? जेडीज बनी हुई हैं सबकी या नहीं? जेडीज बनी हुई है सबकी या नहीं, ये तो 6 से बहुत ज्यादा आगे जाएंगे. ओके वेरी गुड. और क्या है? हर बंदे को कितनी हुई है पास्ट में? सॉरी पास्ट में कितने ट्रेनिंग्स कितनी हो चुकी है? क्लीनिक कितनी हो चुकी है सर? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या? मैकेनिज्म मैकेनिज्म. ओके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म से मुराद है? जी सर. स्ट्रक्चर, डेफिनेटली स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट. एक तो मैंने बता दिया, दूसरा जवेरिया ने बताया, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज द लीडरशिप. पहला स्ट्रक्चर, दूसरा चले लीडरशिप, एंड थर्ड किसी ने बताया मुझे कि रिलेशनशिप. यस सर, वो मैंने बनाया. ओके सर, मैकेनिज्म से मुराद हमारी ये होगी ना कि हम टेक्नोलॉजी स्किल्स और रॉ मटेरियल्स मतलब कितना लेकर आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह जो होते हैं. एग्जीक्यूशन प्लान्स, ओके. फ्यूचर स्ट्रेटजीज के मेथड्स क्या हैं? ओके तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा. सर रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं. हाँ यस, अब आप लोगों को लगता है मुझे कि नेट खोलना शुरू कर दिया. आप लोगों की बातों से लग रहा है कि अभी आप नेट पे देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने. सर नहीं, माइक नहीं खुल रहा था. माइक नहीं खुल रहा था, कोई बात नहीं. तो बिल्कुल जो रिवॉर्ड सिस्टम है वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो जितना अच्छा होगा रिवॉर्ड सिस्टम उतना ही जो है वो कंपनी बेहतर काम कर सकती है. तो दो तीन मैं बता दिए, बाकी जो है वो आप लोगों ने करना है. बस एक पेज का मुझे आप जरा असाइनमेंट भेज दीजिएगा जिसके अंदर ये हो कि 6-box मॉडल क्या होता है, कौन से 6 एरियाज हैं जो कि आपने करने हैं. नंबर 1, नंबर 2 जो है उसकी डेफिनेशन, जो एरियाज है उसकी डेफिनेशन आप लिखकर भेज दें. कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है सर? रिपीट कीजिएगा जी. रिपीट करें. एक असाइनमेंट आपने करना है, वो असाइनमेंट ये है कि ये जो मैंने बताया है कि एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है. सर काइंडली असाइनमेंट रिपीट कर दीजिए. जी मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, असाइनमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए अपने पास. जो 6-box मॉडल है जो मैंने अभी बताया है कि ये डायग्नोस्टिक टूल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपने क्या करना है कि इंटरनेट से इस जो एक्टिविटी है या ये टूल है जो इस टूल को आपने आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि वो 6 एरियाज कौन कौन से हैं. नंबर 1 उनके नाम लिखने हैं, नंबर 2 उन 6 एरियाज को आपने डिफाइन करना है कि वो 6 एरियाज क्या है, मतलब उनकी डेफिनेशन देनी है, दो दो चार चार लाइन की डेफिनेशन दें. और ये टोटल मिलकर एक पेज से ज्यादा ना हो तो अच्छा है, एक पेज के अंदर ही रखें इसको ताकि कम से कम जो है. सर ये वर्ड फाइल पे देना है? ये वर्ड पे देना है बिल्कुल. सर थोड़ी सी ड्यू डेट दे. हाँ बताए बताए, जब आप बोलेंगे दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है. ड्यू डेट का बताए कब देना चाहेंगे आप? सर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास से पहले पहले? ओके डन. तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो है आप इस असाइनमेंट को जमा कराएंगे. आप जमा कैसे होगा ये असाइनमेंट? सब व्हाट्सएप पे सब भेज देंगे फाइल. भेज देते सर, या तो एक ईमेल आप सर एक ईमेल ले ले रहे हैं वो सब उस पे भेज दें, फिर आपको ट्रांसफर कर दी जाए वो चीज. मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग जो है गूगल क्लासरूम आप लोगों के यहाँ किसी ने बनाई है, किसी टीचर ने? यस सर, यस सर बनाई है. बनी हुई है आप लोगों? यस सर बनी. किसने बनाई है? नहीं सर नहीं बनी हुई.
वेरी गुड ग्रेट। तो उन्होंने एक कोई बताया जो भी जिसको अच्छा आता है जवेरिया, तुमने बनाई है? यस सर मैंने बनाई है। ठीक है तो बनी हुई है, मतलब ये होगा कि टीचर ने बनाई होगी और उसका कोड शेयर करता है टीचर, तो उस कोड से सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यस सर। ठीक है तो क्या आप लोग उसके लिए, मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि जीमेल की आईडी होनी चाहिए। यस सर। यस सर। तो जीमेल की आईडी आप सब लोगों के पास मौजूद है? यस सर। यस सर। ओके तो एक काम हो सकता है कि जो जवेरिया है वो एक क्लास एक्टिविटी गूगल क्लास एक्ट जो है एक जनरेट कर दे, कर लोगी? यस सर श्योर। और उसका कोड मेरे साथ शेयर कर दे और अपनी क्लास उसके ऊपर शेयर कर दे, लेकिन मैं देख कैसे पाऊंगा या मैं खुद कर लूं? सर मैं जनरेट करके आपको की भेज देती हूँ, फिर आप उसमें आ जाएं, या तो आप मुझे फिर आपको उसमें जो है ना एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपको देना पड़ेगा, वो कर सकते हो?